कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फिल्म बहुत शानदार बनी, लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया और उसकी कामयाबी को सैल्यूट करने के लिए, उसकी कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था आगे आई जिसने कहा कि हम गरीब लड़कियों को फ्री में पढ़ाएंगे, उन्हें फ्री में अवसर बनाएंगे। पहली बार शायद किसी फिल्म को इस तरह का श्रेय मिल रहा है। ये फिल्म समाज के लिए बहुत अच्छी रही। ये फिल्म इवन मैंने अपने घर में भी सबको दिखाई सर, सबने बहुत तारीफ करी और ये फिल्म सबको देखनी भी चाहिए और फिल्म से प्रोत्साहन लेना चाहिए कि बेटियां बेटों में कोई डिफरेंस नहीं होता, सबको देखने के लिए हमें सेम नजर चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की वो भी कुछ कर सकती हैं और हमेशा कमियां रास्ते नहीं आती हैं। अगर हम सपने देखते हैं तो हम आगे बढ़ें, कोई ना कोई साथ देने वाला हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी बेटियों को सपने दिखाइए, आकार आइए साहब के साथ कराए और हमारी थीम भी है सेव योर ड्रीम्स, हम देंगे आपके सपनों को आकार। कहते हैं सर कि आप उड़ान जो है वो पंखों से नहीं हौसले से होती है, तो हम इसी को मानक मानते हैं और कभी भी आज तक हमने किसी भी बच्चे को इसलिए वापस नहीं किया कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम आज हमने लॉन्च किया है लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया भी है और सेलेक्ट भी हुए हैं। हाँ, ये सच बात है कि अभी हमने PCS में सिलेक्शन ज़्यादा दिए हैं, 300+। UPSC में 30+ ही सिलेक्शन है क्योंकि UPSC से थोड़ा सा टाइमिंग हमारा कम रहा, हम 2019 से हैं यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी और आपने मुझे बिंदास पर देखना शुरू कर दिया है। मित्रों, अफसर बिटिया वो फिल्म जिसने TRP के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, हमारे मित्र प्रदीप के शर्मा की ये फिल्म जिसमें आपने श्रुति राव को अफसर बनते हुए देखा था। प्रदीप शर्मा ने रिसेंटली इस फिल्म का Part 2 अनाउंस किया है और एक साधारण लड़की के, गरीब परिवार से आने वाली लड़की के अफसर बनने की पूरी कहानी इस फिल्म में आप लोगों ने देखी। लेकिन जहां एक तरफ प्रदीप शर्मा ने Part 2 अनाउंस किया, वहीं दूसरी तरफ आकार IAS, वो संस्था जहां पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, लखनऊ की एक नामचीन कोचिंग एकेडमी है जहां पर IAS और PCS बनते हैं, उसकी प्रमुख पल्लवी सिंह मेरे साथ है। और फिल्म की कामयाबी के बाद एक बड़ा धमाका इस इंटरव्यू में करने वाली हैं उन तमाम लड़कियों के लिए जो सपने देखती हैं अफसर बनने की। पल्लवी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि अफसर बिटिया की जो कहानी है वो भारत के तकरीबन 70% घरों की कहानी है। 70% उन बच्चों की कहानियां हैं जो किसी ना किसी कारणवश तैयारी तो करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते और वो अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। तो इसलिए मैंने अनाउंस किया है अफसर बिटिया के नाम का एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारा सपना बहुत पहले से था, ये नाम हमने अफसर बिटिया की कहानी से लिया जो मूवी हमारे यहाँ 2022 में शूट हुई थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अफसर बिटिया आकार IAS ने लॉन्च किया है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अभी अभी जो हमारी सामर्थ्य है वो 50 बच्चों को फ्री पढ़ाने की है, जिसमें हम 50 बच्चियों को, जो बच्चियां ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसमें 31 जनवरी तक की आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और 5 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और हम चाहेंगे कि अफसर बिटिया की टीम जो है वो 5 फरवरी को जब हम क्लास लॉन्च करें तो वो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हो। थैंक यू, शानदार पल्लवी जी, बहुत ही शानदार काम है आपका, क्योंकि गरीबों की आंखें कई बार सपने देखती हैं, वो सपने साकार नहीं हो पाते क्योंकि पैसे जो है वो अमीरों की जेब में होते हैं। पल्लवी जी के आकार IAS के इस कदम को मैं बहुत ज्यादा अच्छा कहता हूं, इसलिए भी क्योंकि अब गरीबों के सपने साकार होंगे। सोचिए, अगर 50 लड़कियां जो कि नीडी हैं, जो कि जरूरतमंद हैं, जो सपने नहीं देख पा रही हैं, अगर वो अफसर बन के आए तो देश को फायदा होगा, उनके अपने परिवारों को फायदा होगा और गरीब एक बार फिर से सपने देखने शुरू कर देंगे। वैसे पल्लवी जी, ये पहली बार शायद हो रहा है, मुझे नहीं पता, ज्यादा इतिहास नहीं पता, आपको शायद पता होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फिल्म
बहुत शानदार बनी, लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया और उसकी कामयाबी को सैल्यूट करने के लिए, उसकी कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था आगे आई जिसने कहा कि हम गरीब लड़कियों को फ्री में पढ़ाएंगे, उन्हें फ्री में अफसर बनाएंगे। पहली बार शायद किसी फिल्म को इस तरह का श्रेय मिल रहा है। आपने कभी सुना था ऐसा कुछ हुआ था? सर, ये हमेशा से रहा है कि भारतीय फिल्म, भारतीय सिनेमा जो है वो समाज का आईना रहा है। ठीक है, अब परिवर्तन हो रहा है, समाज भारतीय सिनेमा ऐसे आईने दिखा रहा है जो खैर समाज में नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन अफसर बिटिया ऐसी फिल्म है और मैं पहले भी इस फिल्म से जब भी देखी तो प्रभावित हुई। जब इसकी शूटिंग हो रही थी तो मैंने पूछा इसकी कहानी क्या है, तो ऐसी फिल्में आनी चाहिए और अफसर बिटिया ने आकर के ये साबित किया कि हाँ, ऐसी फिल्मों की ही समाज में ज़रूरत है जिससे लोग प्रोत्साहित हों। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी फिल्म से कोई संस्थान प्रभावित हुआ है और संस्थान ने ये लॉन्च किया प्रोग्राम। ठीक है, बीइंग अ गर्ल मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं जिन कमियों की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं की या जिन कमियों की वजह से जो सपने मैं पाना चाहती थी नहीं पा पाई, आगे कोई दूसरी पल्लवी वैसी ना बने, अपने सपने देखे और पूरी करे। हाँ, ये फिल्म समाज के लिए बहुत अच्छी रही। ये फिल्म इवन मैंने अपने घर में भी सबको दिखाई सर, सबने बहुत तारीफ करी और ये फिल्म सबको देखनी भी चाहिए और फिल्म से प्रोत्साहन लेना चाहिए कि बेटियां बेटों में कोई डिफरेंस नहीं होता, सबको देखने के लिए हमें सेम नजर चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, वो भी कुछ कर सकती हैं और हमेशा कमियां रास्ते नहीं आती हैं। अगर हम सपने देखते हैं तो हम आगे बढ़ें, कोई ना कोई साथ देने वाला हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी बेटियों को सपने दिखाइए, आकार आइए साहब के साथ कराए और हमारी थीम भी है सेफ योर ड्रीम्स, हम देंगे आपके सपनों को आकार। जी पल्लवी मैम, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि भाई फिल्म आपने देखी है, इनफैक्ट आपके यहाँ शूट हुई है, आपके लखनऊ वाली एकेडमी में ही शूट हुई है, फिल्म का एक हिस्सा जो है वो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो, उसे शूट किया गया है। जब आपने फिल्म देखी आपको क्या लगा कि फिल्म जो है वो सही मामले में एक ऐसी लड़की की या उन तमाम लड़कियों की कहानी को पर्दे पर ला रही है जिन्हें की सही में जो सपने देखती हैं लेकिन अभावों के चलते कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं और उनके जीवन का स्ट्रगल कितना है, ये आपने फिल्म में देखा? जी, ये सही मायने में समाज का आईना है ये फिल्म। समाज में ऐसी बहुत सारी, जैसे श्रुति मैम ने इसमें रोल किया है, ऐसी बहुत सारी लड़कियों की कहानियां हैं, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं जिनकी ऐसी कहानियां हैं, कुछ नाम आगे हम बताएंगे आपको और बाकी बहुत सारे समाज, आप देखो इस समाज से आप भी वाकिफ हो, हम भी वाकिफ हैं। 70% घर ऐसे हैं जहाँ के बच्चों के सपने रह जाते हैं, किसी प्रभाव की वजह से, किसी अभाव की वजह से पूरे नहीं हो पाते। तो इस कहानी में, इस फिल्म में खासकर उन बच्चों के सपने दिखाए गए हैं कि कैसे लोग अभाव के चलते अपने सपनों को मार देते हैं और कैसे लोग संघर्ष करके अपने सपनों को पूरा करते हैं। ये समाज का एक सही मायने में समाज का आईना है ये फिल्म। बिल्कुल, और ये अप्रिसिएशन पल्लवी सिंह कह रही है जो कि एक्टर नहीं है, जो एक्ट्रेस नहीं है, शायद दूर दूर तक फिल्मों का इनका कोई लेना देना भी नहीं है, फिल्में बहुत कम देखती हैं और उन्हें एक फिल्म पसंद आई, फिल्म का नाम है अफसर बिटिया। ये कहती हैं कि ऐसी फिल्में सही मामले में समाज का आईना है। मैडम, ऐसे मेकर्स को क्या कहती हैं आप जो एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनाते हैं, प्रदीप शर्मा जी जैसे, राकेश त्रिपाठी जैसे, श्रुति जैसी एक्ट्रेस, कुणाल जी जो कि महानायक कहे जाते हैं सिनेमा के, आपको लगता है कि ये लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए और उनके साथ आकार आईएस बिल्कुल खड़ा है? टीचर, एक्टर, निर्देशक, ये सब सारथी होते हैं समाज के। अगर ये कृष्ण भगवान की तरह अच्छे से रथ चलाते हैं, अच्छे से लोगों को मोटिवेट करते हैं तो समाज वैसे ही जाता है जैसे अर्जुन गए थे। तो हम ये कहेंगे कि ये सब सारथी हैं और ऐसी ही फिल्में हमारे समाज में होनी चाहिए। हमारा समाज जो सभ्यता की बर्बरता की तरफ जा रहा है, अगर ऐसी फिल्में हमें मिलेंगी तो हमारा समाज वापस अपनी सभ्यता को पहचानेगा, अपनी संस्कृति को पहचानेगा और हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। बीइंग आकार आईएएस निदेशक, हम चाहेंगे कि ऐसी फिल्में कंटिन्यू आए और लोग ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करें, ऐसे निदेशकों को प्रोत्साहित करें, ऐसे एक्टरों को प्रोत्साहित करें ताकि ऐसी फिल्में आती रहें और समाज में तरक्की हो, समाज की संस्कृति में तरक्की हो और बेटियां अपने सपनों को पाएं, बेटे अपने सपनों को पाएं। कहते हैं ना कि बेटियां एक घर नहीं, बेटियां दो घर का उजाला होती हैं। तो बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो दो घर में उजाला होगा। थैंक यू।
इसी को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि बेटियां एक घर का उजाला है, दो घर का उजाला है, ये एक अलग चीज है, लेकिन मैं समझता हूं कि बेटियां कई पीढ़ियों तक उजाला फैला सकती हैं अगर वो शिक्षित रहेंगी, वो सार्थक रहेंगी, वो सामर्थ्यवान रहेंगी, तो आने वाली पीढ़ियां जो है नस्लें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। पल्लवी जी मेरे साथ हैं जो कि आकार आईएएस की डायरेक्टर हैं और यहीं पर फिल्म अफसर बिटिया शूट हुई थी। पल्लवी जी, अब पार्ट टू फिल्म का बनने वाला है। प्रदीप शर्मा ने पिछले दिनों मेरे ही इंटरव्यू में ये कहा था कि चूंकि फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई है, टेलीविजन पर, थिएटर में जहां भी फिल्म लगी हुई है लोगों ने बहुत प्यार दिया, यूट्यूब पर बहुत सारे इसके व्यूज है, ऐसे में हम इसे पार्ट टू तक ले जाएंगे, मतलब फिल्म का जो दूसरा हिस्सा पार्ट टू बनेगा। अगर वो आपके यहां आते हैं, आकार आईएएस में आते हैं, आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमें कहानी का कोई और हिस्सा है, शूट करना है, हमें आपके साथ की जरूरत है, हम एक बढ़िया फिल्म बनाएंगे, तो क्या आप साथ खड़ी रहेंगी? जी हाँ बिल्कुल, ऐसी किसी भी चीज में हम आपके साथ हैं। अगर आप कोई हिस्सा शूट करना चाहते हैं या हम चाहेंगे कि कहानी में कुछ चीजें जो बच्चों के वाकई जो जब डीएम बन जाता है इंसान तो उसके बाद जो जो संघर्ष आते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और डीएम बनने के बाद भी कुछ दायित्व हैं ऐसे समाज के लिए जो उन्हें निभाने चाहिए, जैसे उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है तो उन्हें चाहिए कि उन्हें भी और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ये सब चीजें भी हम उनसे कहेंगे कि फिल्म में जरूर डालें ताकि बच्चे सेलेक्ट होने के बाद उन सब चीजों को फॉलो करें। जी आकार आईएएस जो जो आपने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो आपने कहा है कि 50 लड़कियों को आप फ्री कोचिंग देंगी, हम सबको पता है कि आईएएस पीसीएस की जो फीसेस होती हैं हाई होती हैं, कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा पल्लवी जी? कौन किसे आप सिलेक्ट करेंगी, किसे आप ये निःशुल्क पढ़ाएंगी, ये कैसे, क्या क्राइटेरिया है इसका? सर पढ़ाना, कोई भी संस्थान एक अच्छी मोटिवेटर हो सकती है, एक अच्छी गाइड हो सकती है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेक्शन संस्थान के हाथ में नहीं होता है। हाँ मेहनत कंटिन्यू करवाना, मेहनत और कंसंट्रेट करवाना, ये सब हमारे हाथ में होता है। हम वो सारी सुविधाएं बच्चे को टाइम टाइम पर मेंटोरशिप क्लासेस आंसर राइटिंग जो इसके एसेंशियल्स होते हैं उन पर ध्यान देंगे। अभी हमारा प्रोग्राम इस साल केवल 50 बच्चों का है, अगर भगवान ने चाहा, समाज ने हमारा साथ दिया और बच्चे सेलेक्ट होते गए तो ये सामर्थ्य हमारा बढ़ता जाएगा, आगे 500 5000 ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट का कारण ये है कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि फीस को संस्थानों की फीस हाई होती है, नो डाउट उसके, क्योंकि संस्थानों की फीस हाई होने के कुछ कारण भी होते हैं, क्योंकि इसके टीचर्स बहुत महंगे होते हैं, इसका मटेरियल बहुत महंगा होता है तो इसलिए फीस भी महंगी रखनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ में हम बच्चों को, हाँ मैं खास कर ये बता दूं कि ज़्यादातर ऐसा होता है, इसके लिए मैं किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ जो गलत हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी फ्री बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है तो उनकी क्लासेस अलग से चलाई जाती हैं और उनके लिए उतने इफ़िशियंस टीचर नहीं पढ़ाए जाते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं इन सबको सेम उसी नज़र से देखूंगी जैसे कोई फीस दे के पढ़ेगा वैसे ही फ्री, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए इसके लिए, तो मैं चाहूंगी मुझसे ऐसे ही बच्चे जुड़े जिनके अंदर भी उतनी ही भूख सिलेक्शन की हो जितनी मुझे सिलेक्शन करवाने की भूख है, तो इसलिए मैं चाहूंगी इस प्रोग्राम से ज़्यादा लोग जुड़ें। एक बाइबा आपका होगा जिसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी चाहत कहां तक है सेलेक्ट होने की, तो उस बाइबा के थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाएगा और 5 तारीख को सर आप लोग प्लीज़ उपस्थित होइएगा, बच्चों को मोटिवेट करिएगा, क्योंकि आप इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने नाम आपकी फिल्म से ही लिया है और हम चाहते हैं आप भी अपने सीरीज बढ़ाते जाएं और हम भी इसमें बच्चे बढ़ाते जाएं, कभी 50 कभी 500 कभी 5000। थैंक यू। तो पल्लवी जी ने कहा कि भैया फिल्म जो है फिल्म के लोगों को बुला रही है कि आप लोग भी आइए और एक बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोग भी अपना योगदान दीजिए, कम से कम आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहिए। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप मुझे बिंदास पर देख रहे हैं। पल्लवी सिंह है, पहली बार ऐसा हो रहा है शायद इस चैनल पर कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस मेरे साथ नहीं है, आप तमाम लोग उस कुर्सी पर किसी न किसी एक्टर को मेरे साथ देखते हैं, चाहे हमारे मित्र खेसारी लाल यादव हो, निरहुआ हो, पवन सिंह हो, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह, काजल लागवानी, तमाम सारे नाम हैं जो लोग होते हैं उस कुर्सी पर, पहली बार कोई ऐसा है जिसने कुछ ऐसा किया है जिसे आप तमाम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। पल्लवी जी जब आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, आप लोगों लड़कों को लड़कियों को पढ़ाते हैं, कई सारे गरीब घरों से आते होंगे, कई सारे ऐसे घरों से आते होंगे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल से दो वक्त की जिनकी रोटी चलती है, लेकिन हाँ सपने उनके बड़े होते हैं। कहानी क्या है आकार आईएएस से अब तक कितने लोग जो हैं उस कुर्सी को हासिल कर सके हैं, उस बुलंदी को हासिल कर सके हैं जिसके सपने
हजारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। कहते हैं सर कि आप उड़ान जो है वो पंखों से नहीं हौसले से होती है, तो हम इसी को मानक मानते हैं और कभी भी आज तक हमने किसी भी बच्चे को इसलिए वापस नहीं किया कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम आज हमने लॉन्च किया है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया भी है और सेलेक्ट भी हुए हैं। हाँ, ये सच बात है कि अभी हमने PCS में सिलेक्शन ज़्यादा दिए हैं, 300+। UPSC में 30 प्लस ही सिलेक्शन है, क्योंकि UPSC से थोड़ा सा टाइमिंग हमारा कम रहा। हम 2019 से हैं यहाँ पर, और 19 से आप लोग जानते हो दो कोरोना रहे, और इसमें टाइमिंग चाहिए होता है, हमें बच्चों को क्वालिफाई करवाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो UPSC के लिए उतना टाइम अभी हमें मिल नहीं पाया है। खैर, जर्नी जारी है, हम चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो मंजिल मिलेगी। UPPCS में तकरीबन 20 से 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है और वो किसी ना किसी पोस्ट पर हैं। 3 से 4 बच्चे SDM हैं, RFO हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। सर, तो हमने कभी भी किसी को वापस नहीं किया, इसलिए बिल्कुल नहीं कि वो पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास हौसला है, मैं नहीं तो कोई और उसे उड़ान दे देगा। पंखों की जरूरत नहीं होती हर बार उड़ने के लिए। वाह, शानदार। वैसे पढ़े लिखे इंसान का इंटरव्यू करना अपने आप में बड़ा मजेदार होता है। पल्लवी सिंह ने कई सारी बातें की और कहा कि भैया, अगर आपको उड़ान भरनी है तो पंखों की शायद जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है। आखिर IAS जिसने 50 गरीब लड़कियों को फ्री में कोचिंग देने का वादा किया है और कहा है कि हम उन्हें अफसर बनाएंगे। पल्लवी जी मेरे साथ थी और बहुत सारी बातें इन्होंने की। अफसर बिटिया फिल्म के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है और इन्होंने अपने इस प्रोग्राम का नाम भी अफसर बिटिया रखा हुआ है। मैडम, आप कुछ मेकर्स को कहना चाहती हैं? प्रदीप शर्मा जी को, श्रुति राव को, कुणाल जी जो कि महानायक कहे जाते हैं, आकाश सिंह, राकेश त्रिपाठी, तमाम नाम है फिल्म से जुड़े हुए, उन्हें आप कुछ कहना चाहती हैं अफसर बिटिया को लेकर कि उन्होंने एक बढ़िया फिल्म बनाई? सभी मेकर्स मेंबर को मैं कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, प्लीज ऐसी फिल्म बनाते रहिएगा, क्योंकि हमारे बॉलीवुड ने तो हमें निराश कर दिया जानवर जैसी फिल्में बना के। खैर, मैं चाहूंगी कि आप लोग ऐसी ही फिल्में बनाएं, भारतीय संस्कृति को दिखाएं, भारतीय समाज को दिखाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाएं, ताकि कुछ लोग उठें उनके सोल्यूशन के लिए। जैसे अफसर बिटिया में आपने एक प्रॉब्लम दिखाई और हम उठे ना उसके सोल्यूशन के लिए, ऐसे ही आप अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, कोई ना कोई पल्लवी सिंह जरूर आएगी उसके सोल्यूशन के लिए। थैंक यू। पार्ट 2 बनना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल पार्ट 2 बनना चाहिए, बल्कि आप लगातार इनके पार्ट्स बनाइए, ताकि हम भी लगातार ऐसे ही अफसर बिटिया का प्रोग्राम चलाएं और उसमें बच्चों की संख्या बढ़ाते जाएं। भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि हम और ज्यादा बच्चों को फ्री पढ़ा सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, आपने बहुत शानदार तरीके से मेरे सवालों के जवाब दिए। और मैं जाने से पहले, इस इंटरव्यू को रैप अप करने से पहले, एक बार फिर से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि आपकी जो मुहिम है वो बहुत शानदार है, और मैं उस ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये मुहिम इसी तरह से आगे कामयाब हो। आज 500, कल 5000, फिर 5 लाख लोगों को आप इसी तरह से अवसर बनाएं। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच सर। सभी लोग इसे प्रमोट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, मूवी को भी और अफसर बिटिया प्रोग्राम को भी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पल्लवी सिंह जी, जो कि आकार IAS की निदेशक थी, और इन्होंने जो कुछ भी कहा वो हमेशा यादगार रहेगा। मैं समझता हूं कि हमारे आने वाले इतिहास का एक हिस्सा होगा, एक बड़ा कदम इन्होंने उठाया। वैसे अगर आप इस इंटरव्यू के बाद अफसर बिटिया के निर्माता प्रदीप शर्मा, इसकी एक्ट्रेस यानी कि हमारी मित्र श्रुति राव का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और कलाकार की बात करेंगे, कुछ फिल्मी बातचीत भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।